इसके बगल बीते यहाँ पे बहुत सही रूम है। ये तीन बेड है, इधर कपड़े टांगने वाला है, विंडो भी एकदम अच्छा है ये, प्लस इधर इधर बाथरूम है और इधर साइड में लैट्रिन है। एकदम परफेक्ट रूम है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ तैयार, नहीं थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे फिर से न्यू ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे पहले ब्लॉग में देख चुके होंगे, हम लोग मुगल सराय से ट्रैवल करके साईं बाबा जी का दर्शन करने आए हैं। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, वो भी लंगर का। वाह, मजा आ जाएगा। ये लंगर का खाना, ये जो टिकट काउंटर है इसके बगल में एक प्रिंटर है, फिर इसके बगल में ही जस्ट उधर कोने में सबसे साइड में सीढ़ी है, वहीं पे मिलता है, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। ये रहा स्वयं सेवा प्रसाद भोजना, आ जाने का जगह। ये थाली उठाना है, यहाँ पे अंकल जी चावल देंगे, बाकी सामान यहाँ मिलेगा। ये रहा लंगर का भोजन। अच्छा, इस साइड से आना है और एग्जिट कहाँ गया, ये रहा एग्जिट, यहाँ से निकलना है। अबा जी का प्रसाद है, चाय ना दादा? दो रुपए मिलकर चाय मिलता है? नहीं, कहीं नहीं। इंडिया में जाऊँ कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी इतना अच्छा और चाय भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है। हाँ, बेस्ट चाय। तो हम लोग तैयार होके निकल रहे हैं, वो भी बाबा जी का प्रसाद लेते लेते। चाय यहाँ का प्रसाद, यहाँ का सब कुछ ही प्रसाद है, तो इसको पीते पीते यहाँ पे चल। तो बहुत टेस्टी बता चुके हैं खाना तो बता ही चुके, क्या ही बहुत ज्यादा लंगर का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, सच में एक बार खाओ बार बार खाओ। अभी सब कोई निकल रहा है दर्शन करने साईं बाबा जी का, तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को भी साईं बाबा जी का दर्शन करवाते हैं। चलिए क्यों ना चलते चलते शिरडी की साईं बाबा की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। शिरडी महाराष्ट्र की अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है, जो कि साईं बाबा के घर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ अपनी जिंदगी के लगभग 60 साल गुजारे। साईं बाबा के जन्म को लेकर अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म महाराष्ट्र के पथरी गांव में हुआ था, यही जगह है जहाँ साईं बाबा की समाधि स्थित। हर रोज हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। द्वारका माई मस्जिद, साईं बाबा अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इसी मस्जिद में बिताते थे। यहाँ उन्होंने अपने भक्तों के साथ बैठन की, उनका उपचार किया और ध्यान किया। आज ये स्थल उनके भक्तों के लिए पवित्र जगह बन गया है। गुरु स्थान, यहाँ एक नीम का पेड़ है जिसे साईं बाबा के भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। अब मैं भी जा रही हूँ साईं बाबा का दर्शन करने, तो हर जगह की तरह यहाँ भी मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा। अंदर एंट्री करती हूँ, इतनी ज्यादा भीड़ और यहाँ पे अपना मोबाइल को जमा करती हूँ। तो चलिए दर्शन के बाद मिलते हैं आप लोगों से, अभी के लिए बाय बाय। फाइनली 2-3 घंटा लगा मुझे दर्शन करने, काफ़ी लेट हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर बाहर निकलते ही घूमती हूँ आई लव साईं बाबा, यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट होता है। शिरडी में मैं बड़ा पाव खाती हूँ, यहाँ पे मुझे बड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है। एक मिसल पाव शिरडी का ये फेमस डिश है, इसे भी मैं ट्राई करती हूँ, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। पर यहाँ का फेमस है, ठीक ही था पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मंदिर के थोड़ा आगे ही जाते, यहाँ पे काफी सस्ता यहाँ पे कपड़े मिलते, 200 में टी-शर्ट, क्वालिटी भी मुझे सही लगा, सब सही था। लड़कियों का मुझे पसंद नहीं आ रहा था, बस देखी।
फिर इधर ही प्रसादालय, यहाँ हर दिन हजारों भक्तों के लिए प्रसाद का प्रबंध होता है। साईं बाबा के भक्तों के लिए यह भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए मैं भी जा रही हूँ यहाँ का प्रसाद खाने। और पता है यहाँ पर जितना मन उतना खाओ, कभी ना नहीं किया जाता, जितना मांगो उतना मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रसाद खाती हूँ, मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।